किसान भाइयों आज इस वीडियो में हम आपके धान के खेती संबंधित कुछ सवालों के जवाब देने वाले हैं जिसमें हम आज बात करेंगे किसान भाइयों कि धान में हमको पोटास कब डालना चाहिए धान में किसान भाई हमको पोटास कितनी मात्रा में डालना चाहिए और क्या आपको पता है किसान भाइयों कि धान में पोटास डालने के बाद हमको कौन कौन से फायदे मिलते हैं फिर बात करेंगे धान में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए हमको कौन कौन से उपायों को करना चाहिए और सबसे अंत में किसान भाई बात करेंगे कि धान में कल्ले बढ़ाने के के लिए हमको कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए अगर इन सवालों जवाब आप किसान आपको सही तरीके से जानना है तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों कि धान की फसल में हमको पोटास कब डालना चाहिए किसान भाइयों धान की फसल में पोटास का जो महत्व है वह बहुत ही ज्यादा माना जाता है अगर धान में किसान भाई पोटास डालने के समय की बात करें तो धान रोपाई के तुरंत बाद ही किसान भाइयों जब हम फॉस्फोरस डालते हैं किसान भाइयों और नाइट्रोजन डालते हैं उसके साथ में हमको पोटास जरूर डालना चाहिए तो हमारी जो धान की फसल है किसान भाइयों वह शुरुआती अवस्था से अच्छी टिलरिंग अच्छी ग्रोथ Thank <laughs> you. अच्छा हरा भरापन लेकर चलेगी और उसके बाद में किसान भाइयों हमारी जो धान की फसल जब बालिया बनने की अवस्था तक पहुंच जाए उस समय पर किसान भाइयों पोटास का सबसे अहम रोल माना जाता है अगर इस समय पर किसान भाइयों आप पोटास डालेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बंपर फायदा मिलने वाला है तो शुरुआती अवस्था में किसान भाइयों और जब आपके धान में बालियां बनने लगे उस अवस्था में किसान भाइयों आपको पोटास जरूर डालना चाहिए नेक्स्ट है किसान भाइयों धान में पोटास कितना डालना चाहिए

एक के प्रति एकड़ के हिसाब से जीरो जीरो पचास का स्प्रे करना चाहिए इसी में किसान भाइयों आपके धान फसल की पूर्ति हो जाएगी नेक्स्ट है किसान भाइयों धान में पोटास के क्या क्या फायदे हमको मिलते हैं यह बहुत ही अहम सवाल है किसान भाइयों और बहुत सारे किसान भाई को यह जानकारी नहीं है कि धान की फसल में पोटास डालने के बाद हमको कौन कौन से फायदे मिलते हैं अगर शुरुआती अवस्था में बात करें किसान भाइयों तो जो हमारा धान का पौधा होगा वह सूखेगा नहीं अधिक जल भराव को सहन कर लेगा और किसान भाइयों अगर ज्यादा तापमान होगा उसको भी वह सहन कर जाएगा और आपका पौधा शुरुआती अवस्था से बहुत ही हेल्दी और उसकी जो ओवरऑल ग्रोथ होगी किसान भाइयों वह शानदार बनी रहेगी और जिस समय किसान भाइयों आपके धान की फसल में धान के दानों का भरा होगा तो जो दाने का आकार होगा उसको किसान भाई पोटास बढ़ाएगा वो उसको चमकदार वजनदार और बहुत ही शानदार क्वालिटी के दानों का भरा होगा किसान भाइयों तब आपको आपके धान की फसल से बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार पैदावार मिलेगी अगला किसान भाइयों की कि धान में कल्ले कैसे बढ़ाए यह बहुत ही अहम सवाल है किसान भाइयों बहुत सारे किसान भाइयों के मन में यह सवाल रहता है कि अधिक कल्ले कैसे बनाए ताकि भविष्य में हमको धान की फसल से अच्छी पैदावार मिल सके सबसे पहले किसान भाइयों हमको ये जानना पड़ेगा कि धान रोपाई के कितने दिन के बाद में कल्लो की संख्या बनना शुरू हो जाती है किसान भाइयों अमूमन जब धान की रोपाई हम कर देते हैं उसके 20 से लेकर 40 दिन के अंदर किसान भाइयों कल्लो का विकास होना शुरू हो जाता है और इसी समय पर किसान भाइयों कुछ हमें तीन चार कार्य करने चाहिए जिससे किसान भाइयों हमारी जो धान की फसल है उसमें कल्लो की संख्या अच्छी आए नंबर एक पर किसान भाइयों अगर आपने जिंक सल्फेट का इस्तेमाल शुरुआती अवस्था में नहीं किया था तो आपको करना चाहिए उसके साथ में किसान भाइयों आपको इस समय आपने धान के खेत को थोड़ा सा सूखा रखना चाहिए नमी रहनी चाहिए किसान भाइयों लेकिन पानी न रहे ताकि जो सूर्य किरण है किसान भाइयों वह डायरेक्ट हमारी जड़ों पर है और इसी समय किसान भाइयों हमको अपने धान की फसल में ऐसे न्यूट्रिय को डालना चाहिए जिसको डालने के बाद हमारी धान फसल में अच्छी कल्लों की संख्या हमको मिल जाए और अच्छी पैदावार हमको धान फसल से मिल सके लास्ट किसान भाइयों कि धान में कल्ले बढ़ाने के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल हमको करना चाहिए किसान भाइयों धान की फसल में अगर आपको अच्छे कल लेने हैं तो बिल्कुल आपको किसी भी दवा की जरूरत नहीं है किसान भाइयों को सही समय पर सही उर्वरक डालने की आवश्यकता है किसान भाइयों जब आपकी धान की फसल 25 से 30 दिन के अंदर के हो जाए किसान भैया उस समय पर आपको धान में अधिक कल ले पाने के लिए लगभग 40 से 45 केजी प्रति एकड़ यूरिया और लगभग 8 से 10 केजी प्रति एकड़ जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए किसान भाइयों इन दोनों खादों को डालने के बाद में आपके धान फसल में बहुत ही बढ़िया कल्लों की संख्या आपको मिलेगी लगभग एक पौधे से 20 से लेकर 30 कल्ले आएंगे जो आपको भविष्य में धान की फसल से बहुत ही शानदार पैदावार देने में हेल्प करेंगे उसके अतिरिक्त किसान भाई आपको किसी भी दवा को डालने की जरूरत नहीं है इसी दो खादों को डालने के बाद में किसान भाई आपको अपने धान की फसल में बहुत ही ज्यादा कल्लों की संख्या मिलने वाली है